हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की इस समय काउंसलिंग करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, इस समय बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। सेकंड काउंसलिंग, एक एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट काउंसलिंग खत्म हो गई है, सेकंड काउंसलिंग ये देख लीजिए, द्वितीय चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी ये दी गई है। तो ये सेकंड काउंसलिंग की पूरा दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है कि कब कब होगा। तो जैसे आप देख लीजिए, ऑनलाइन पंजीकरण 22 से 26 तक आपका पंजीकरण होगा। ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जो आपके 500 रुपये लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो आप 22 से 26 जमा कर सकते हैं। तो ये तो अभी जो लिंक है एक्टिव हो गया है, लेकिन जो अभी सिक्योरिटी फ़ीस आपको 5000 रुपये जो जमा करनी है, ये अभी एक्टिव लिंक नहीं हुई है और इसकी डेट 22 से लेकर 27 तक ही है। तो काफ़ी स्टूडेंट कॉल भी कर रहे हैं मेरे पास और कमेंट भी कर रहे हैं कि ये अभी सिक्योरिटी फ़ीस क्यों नहीं जमा हो रही है। तो सिक्योरिटी फ़ीस अभी आज वेट कर लीजिए, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे ही लिंक जो है एक्टिव हो जाएगी, आपको तुरंत मैं बता ही दूंगा। तो अभी थोड़ा वेट करें, अभी लिंक एक्टिव हो जाएगी। चलिए एक बार उसकी साइट पे देख लेते हैं अभी अपडेट, कभी भी उसकी लिंक एक्टिव हो सकती है, क्योंकि मैं कॉल किया था पर्सनली, उनसे पूछा भी था कि कब ये एक्टिव हो सकती है, तो बोले थे कि बस कभी भी हो सकती है, एक दिन दो दिन, मतलब जस्ट कभी भी हो सकती है। तो आप चेक करते रहिए, आपको कहाँ पर चेक करना है चलिए मैं ये बता ही देता हूँ। जैसे जैसे आप क्या चीज़, आप जब ये देखिए धनराशि आप 5000 जमा कर देंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग आएगी ना, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आपका स्टेप होगा ना, कॉलेज जिसमें चूज करेंगे 28 से लेके 30 तक, 28 29 30 आपके पास समय 3 दिन रहेगा। तो इसमें आप कैसे चॉइस करेंगे, आप पहले तो एक लिस्ट बना लीजिए किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, वो अच्छे से लिस्ट बना लीजिए, फिर आप कॉलेज चूज कर, फिर आपको कॉलेज चूज करने में आसानी हो जाएगी। तो एक कॉलेज की आप लिस्ट बना लीजिए। चलिए देखते हैं हम कि ये देखिए, मैंने अभी वेबसाइट तुरंत sing.upsdc.government.in आप भी ओपन कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए। गूगल पे सर्च करने के बाद एक लिंक मिलेगी, जैसे देखिए मैं बता ही देता हूँ, गूगल पे एक लिंक, ये आप गूगल पे सर्च करिए, इतना पूरा लिखने के बाद आप जब ये सर्च करेंगे तो ये लिंक, फर्स्ट वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे जस्ट उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आपको तीन लिंक मिल रही है। एक स्टेप रजिस्ट्रेशन का मिल रहा है, दूसरा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका 500 रुपये फीस जमा करेंगे, और जो ये 5000 आपकी फ़ीस जमा करनी है, ये वाली जो जमा करनी है 5000 रुपये, ये वाली जो जमा करनी है, ये स्टेप पे आप क्लिक करिए। इस स्टेप पे तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, जो भी स्टूडेंट नहीं कंप्लीट किए हैं अभी कर लीजिए, अभी काफ़ी डेट है। तो देखिए मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए तुरंत लिंक ओपन होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सेकंड भी ओपन होती है 500 रुपये फ़ीस जमा करने की, और अगर मैं थर्ड पे ओपन करता हूँ, देखिए इस पे करने के बाद कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, जैसे मैं थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये लिंक जनरेट नहीं हुई है, मतलब एक्टिव नहीं हुई है अभी ये। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे, तुरंत आप 5000 आप पेमेंट का ऑप्शन देगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब खुद भी कर सकते हैं पेटीएम या फिर बैंक के थ्रू, और या फिर आप, या आपका सबसे अच्छा है अगर आप नहीं खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इंटरनेट कैफ़े जहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म वॉर्म फिलअप किए जाते हैं, इंटरनेट कैफ़े से आप संपर्क कर लीजिए, वो आपका सब प्रोसेस कम्प्लीट कर देगा और गलतियाँ भी कम होने के चांस रहेंगे। तो आप अच्छे से हर एक स्टेप करा लीजिए, लेकिन आप कॉलेज पहले चूज कर लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन कॉलेज के मुझे चूज करने हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कॉलेज चूज करने में। क्योंकि कॉलेज आप कैसे ही चूज करेंगे, तो आपको फर्स्ट पे तो यही पता होना चाहिए कौन से कॉलेज बेस्ट हैं कौन से नहीं। तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी भेजा था उस अपने टेलीग्राम पे, तो एक वीडियो भी बनाया था, वो आप देख लीजिएगा, और अपने अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में एक, अभी चॉइस फिलिंग की आने दीजिए, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा कॉलेज चूज के ऊपर, तो आपको आसानी होगी। अभी आप किस कॉलेज में लेना है ये चीज़ आप जान लीजिए। चलिए जैसे लिंक एक्टिव होती है आपको तुरंत सूचित करेंगे। थैंक यू।